तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाला है फिर से आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और अभी आपका मैथ क्या है, पार्ट टू का है, पार्ट वन नहीं, पार्ट टू का। मैंने इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया था और उसके साथ मैं आपको एक और वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन के 8 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपका समाकलन, एक्सरसाइज 7.1। तो अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में दे दिया होगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, अपलोडेड वीडियो मिल सकता है, आप जाकर उस वीडियो को देख लें। आज हम बताने वाले हैं आपको इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ। और मैथ के दो पार्ट्स हैं, इसमें पार्ट टू है, पार्ट वन नहीं है। तो पार्ट टू का मैं मैथ आपको इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ जो 7.1 से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको उसमें एट क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया था, आज वो हमको क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है 9 नंबर से। तो देखिए 9 नंबर का सोल्यूशन है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2x2 + ex dx। तो कैसे हल करेंगे, 9 नंबर में है i बराबर 2x2 + e^x dx। ठीक, तो इसको अलग कर देंगे, 2x2 dx + इसमें करेंगे e^x dx। यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट जब भी होता है नंबर, तो नंबर क्या होता है, नंबर बाहर निकल जाता है। तो क्या आ जाएगा, नंबर बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, x2 dx + e^x dx। ठीक, 2 बाहर आ गया और यहाँ पर x^n, किस समय पर आएगा, x^n dx। समय क्या होता है, x^(n+1)/(n+1)। ठीक है, तो 2 हो गया और x^(3/3)+। ठीक, और e^(x)/(e^x)+c। अब यह 2/3 x^(3)+e^x)+ क्या गया, c। आपको फॉर्मूला में बता दिया है, यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन x^(n dx)। तो इंटीग्रेशन x^(n dx) क्या होता है, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, x^(n+1)/(n+1)। या आपको फॉर्मूला वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। नाइन क्वेश्चन हो गया, अब हमारा है टेंथ क्वेश्चन। टेंथ में दिया है i बराबर इंटीग्रेशन √(x−1)√(x) का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर √(x−1)√(x) का क्या होल स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a − b का होल स्क्वायर है, a − b का होल स्क्वायर है। तो क्या आप तोड़ सकते हैं इसको, क्या तोड़ सकते हैं, a²−2ab + b² हो गया। इसके बाद से हम क्या लिखेंगे, dx। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, केवल आएगा x − x कट जाएगा, यहाँ पर बचा 2+, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना 1 और √(x) क्या हो गया, केवल x। अब हो गया dx। अब यहाँ पर कई पार्ट है, इसमें x का पार्ट अलग, 2 का पार्ट अलग और मैं x का पार्ट, आप सब में अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन है। यहाँ पर x dx − 2 dx + 1/x dx। अब यहाँ पर देखिए x से यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मानेंगे, power 1। फिर x^n हो गया, x^n+1 −2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, क्या हो गया x। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x क्या होता है, log x, 1/x क्या हो जाएगा है, log x प्लस c। यह हो गया x^1, तो x^1 का फॉर्मूला क्या था, x^(n+1)/(1)/2 − 2x + log x + c। ठीक, अब है आपका 11th नंबर। 11th में दिया है इंटीग्रेशन x^(3)+5s²−4/s²dx। क्या दिया है 11th में, i बराबर इंटीग्रेशन
एक्स पावर थ्री प्लस फाइव एस स्क्वायर माइनस फोर बटा एस स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर बाई में है एस स्क्वायर, सबके नीचे लगा सकते हैं एक्स पावर थ्री एस स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस से पीछे प्लस लगेंगे इंटीग्रेशन फाइव एस स्क्वायर, फिर नीचे का लगेंगे एस स्क्वायर माइनस से माइनस फिर फोर फिर यहाँ पर डी एक्स। यहाँ पर वन मार सकते हैं कुछ नहीं तो क्या है वन, चलिए यहाँ पर आया फोर डी एक्स और यहाँ पर एक्स है ना तो एस स्क्वायर। अब यहाँ पर कट जाएगा क्या आएगा एक्स डी एक्स, इधर कट जाएगा क्या आएगा फाइव डी एक्स माइनस। यहाँ पर नंबर है, नंबर क्या होता है बाहर चल रहा है और यहाँ पर दिया वन बाई एस स्क्वायर डी एक्स। फिर यहाँ पर हो गया एक्स के पावर वन, तो एक्स पावर एन मतलब क्या है एक्स पावर एन होता है तो एक्स पावर एन प्लस वन, एक्स पावर एन इंटीग्रेशन करते हैं एक्स पावर एन प्लस वन, तो यहाँ पर आएगा एक्स पावर एन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन कितना टू बटा टू प्लस फाइव और डी एक्स का क्या होता है एक्स माइनस फोर। अब यहाँ पर क्या है वन बाई एस स्क्वायर, तो वन बाई एस स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा माइनस डी एक्स एस स्क्वायर बटा टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर। फिर यहाँ पर एक्स पावर एन हमारा एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी ठीक। यहाँ पर क्या आएगा एस स्क्वायर बटा टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस फोर और यहाँ पर एक्स पावर माइनस वन बटा माइनस वन प्लस सी एस स्क्वायर बटा दो प्लस फाइव एक्स और माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस फोर या एक्स पावर माइनस वन क्या रहेगा चार बटा एक्स, एक्स पावर माइनस वन आएगा बटा मिलेगा प्लस सी, ये होगा आपका आंसर एस स्क्वायर बटा टू फाइव एक्स प्लस एक्स पावर माइनस में है तो माइनस एक्स क्या आएगा एक्स पावर माइनस वन क्या होता है वन बटा एक्स वही फोर बटा एक्स हो गया प्लस कॉन्स्टेंट सी ठीक। अब है आपका ट्वेल्व, ट्वेल्व में दिया है इंटीग्रेशन एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बटा रूट अंडर एक्स डी एक्स। क्या दिया है एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बटा रूट अंडर एक्स डी एक्स, तो क्या मानेंगे फिर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बटा रूट अंडर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाई में है तो सबके नीचे पाया जाएगा एक्स पावर थ्री रूट अंडर एक्स डी एक्स थ्री एक्स रूट अंडर एक्स डी एक्स फोर, फोर नंबर है बाहर आ जाएगा वन बाय रूट अंडर एक्स क्या हो गया डी एक्स। अब यहाँ हो गया एक्स पावर थ्री, एक्स पावर थ्री और रूट एक्स का मतलब क्या होता है रूट एक्स, देखिए यहाँ पर रूट एक्स है रूट एक्स मतलब होता है एक्स पावर हाफ ठीक, और जब यही एक्स पावर ऊपर जाएगा तो क्या है एक्स पावर माइनस हाफ बनेगा रूट एक्स मतलब होता है एक्स पावर हाफ और जब यही ऊपर जाता है तो क्या बनता है माइनस बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स या रूट ऊपर जाते क्या माइनस हाफ डी एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स पावर माइनस हाफ माइनस हाफ डी एक्स फिर फोर एक्स पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो ये एक्स और यहाँ पर तीन गुणा छः ठीक या सिक्स सिक्स बोल गया फाइव बटा क्या हो गया दो डी एक्स प्लस थ्री यहाँ पर क्या एक्स तो एक्स हो गया यहाँ पर वन छिपा हुआ है तो टू वन यहाँ पर वन है तो दो में से वन गया दो माइनस ऐसे होगा वन माइनस वन बाई टू होगा ना तो टू माइनस वन बाई वन टू माइनस वन बाई टू कितना होगा वन बटा टू क्या होगा वन बटा टू डी एक्स प्लस फोर और यहाँ पर है
इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस वन माइनस टू डी एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स पावर एन इंटीग्रेशन हो गया एक्स पावर एन पे, तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन चलता, ठीक। तो इसको ऐसे बनाएंगे, इसका आएगा एक्स पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस थ्री, ठीक है। एक्स एन प्लस वन बटा एन प्लस वन फोर मल्टीप्लाई एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, कहेगा टू वन या टू और टू वन या टू और फाइव कितना हुआ सेवन, तो एक्स पावर सेवन बटा टू, सेवन बटा टू और यहाँ पर भी आएगा सेवन बटा टू, पढ़ में जाते क्या आएगा टू बटा सेवन, यहाँ पर आएगा सेवन बटा टू, यहाँ पर उल्टा आ जाते क्या आएगा टू बाई सेवन प्लस, फिर यहाँ पर टू मिनट टू और थ्री थ्री एक्स पावर थ्री बटा टू और यहाँ पर उल्टा आएगा टू बटा थ्री, इसी का उल्टा यहाँ पर आएगा तो थ्री इंटू टू बटा थ्री प्लस फोर इंटू यहाँ पर टू वन या टू और टू में से वन गया वन एक्स पावर वन बटा टू और यहाँ पर वन बटा टू आएगा तो उल्टा आएगा कितना आएगा टू प्लस सी हो गया दो बटा सात एक्स पावर सात बटा दो प्लस तीन तीन कट जाएगा हो गया दो एक्स पावर तीन बटा दो प्लस दो चौको आठ एक्स पावर हाफ प्लस सी। आप ऐसे भी कैसे हो सकता है, ये भी सही है, या तो आठ एक्स हाफ को रूप आठ एक्स लिख सकते हैं, आठ रूप आठ एक्स पावर हाफ है तो इसे क्या लिखते हैं रूट में लिखते हैं रूट आठ सी लिख सकते हैं, ऐसे आपको बुक में दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन हो गया, आपको कभी समझ में आएगा जब आपको टोटल फार्मूला याद रहेंगे, टोटल फार्मूला जो आपको याद है इसका इंटीग्रेशन का तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेशन का लगभग 30 फार्मूले मैंने आपको इम्पोर्टेंट दे दिया है तो आप उसमें जाकर दे सकते हैं। तो इस लेवल पर आपको कौन कौन से फॉर्मूला कहा लगा ऐसे आपको बता रहा है। अब आया 13, थर्टीन में है ये सब हो गया है आई बराबर, थर्टीन में है इंटीग्रेशन एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर टू प्लस एक्स माइनस वन एक्स पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक। यहाँ पर कॉमन करेंगे एक्स पावर थ्री में, यहाँ पर कॉमन कर रहे हैं एक्स कॉमन रहेगा यहाँ का बचेगा, सॉरी यहाँ पर दोनों में एस स्क्वायर कॉमन करते हैं यहाँ का बचेगा एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आएगा x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन उसके बाद डी एक्स, अब आपका नीचे क्या है x माइनस वन यह खो जाएगा, क्या बचा बचा आपका एस स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और कर देंगे एस स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स, इसे कितना आएगा x पावर थ्री बटा थ्री प्लस क्या होता है एक्स प्लस करेगा सी। यह हो गया आपका 13 तक एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का सेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स बाय वाचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।